हेलो गाइस आई एम निक्की और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल आई क्यू स्टूडेंट्स पॉइंट सो गाइस कल मैंने आप लोगों को इंटरनल असेसमेंट एग्ज़ाम्स की डेट शीट बताई थी और उसमें यह भी बताया था कि आप लोगों की जो भी इंस्ट्रक्शंस आएंगे कि पेपर आपको कैसे देने हैं क्या होगा उसके रिगार्डिंग भी मैं एक सेपरेट वीडियो अपलोड कर दूँगी ठीक है तो ये जो है आपका इंस्ट्रक्शंस के लिए कुछ लाइन्स हैं कुछ चीज़ें हैं जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की तरफ से अपडेट की गई हैं तो ये जो हमारे सारे सेंटेंसेस हैं हम इसको पढ़ के समझते हैं उसके बाद इंटरनल असेसमेंट की तैयारी बहुत अच्छे से समझेंगे कि कैसे करें ठीक है इम्पोर्टेंट स्ट्रक्शन रिगार्डिंग ऑनलाइन एम सी क्यू बेस्ड इंटरनल इंक्लूडिंग कंटिन्यूस असेसमेंट ठीक है फर्स्ट है द कैंडिडेट हैज़ टू क्लिक ऑन ये वेबसाइट दे रखी है फॉर ऑनलाइन एम सी क्यू बेस्ड आई एस सी ए ये जो वेबसाइट दे रखी है इस वेबसाइट को मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी वहाँ से जाकर आप इसको कॉपी करके रख लेना ठीक है तो जब आपका पेपर होगा तो इस पर क्लिक करना और पहुँच जाना अब क्या करना है फिल रिक्वायर्ड सोल रोल नंबर एंड बार कोड फॉर स्टूडेंट लॉग इन अब इस साइट पर जाने के बाद आपको बार कोड और सोल रोल नंबर अपना अपलोड करना है मतलब डालना है और टाइप करके आप डालेंगे आपके आई डी कार्ड में फिर रिसिप्ट में आपके सोल रोल नंबर बार कोड दोनों में मिल जाएगा इन केस किसी सिचुएशन में आपको जैसे बहुत सारे स्टूडेंट अभी तक मुझे मैसेज करते हैं कि मैम मेरे पास बार कोड अभी भी नहीं आया है मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी सोल में एडमिशन लेके तो बेटा घबराओ नहीं इसका सॉल्यूशन भी है आगे वीडियो में घबराओ नहीं ठीक है क्लास में इसमें बने रहो उसके पास है एज पर एग्जामिनेशन शेड्यूल क्लिक रिक्वायर्ड पेपर यूनिक पेपर कोड टू बी अटैम्प फॉर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड आई आप लोगों को मैंने डेट शीट में बताया था डेट दे रखी थी यूनिक पेपर कोड यूनिक पेपर कोड होता है पेपर का कोड कौन से सब्जेक्ट का कौन सा कोड है ठीक है तो वो जो कोड है इन्होंने कहा है एग्जामिनेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग जाओ और उसमें देखो यूनिक पेपर कोड क्या है और उसको फिल करो द ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एम सी क्यू बेस्ड इंटरनल असमेंट इंक्लूडिंग कॉन्टीन्यूस असमेंट मैंशन ऑन द टॉप राइट ऑफ योर स्क्रीन इन ड्यूरेशन ऑफ ऑनलाइन एम सी क्यू बेस्ड इंटरनल असमेंट जो है ना वो आपके टॉप राइट में स्क्रीन पे दिख रहा होगा ठीक है वहाँ से आपको इसको देख लेना है उसके बाद है द एम सी क्यू विल बी डिस्प्लेड ऑन योर स्क्रीन फिर उसके बाद एम सी क्यूज आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगी क्लिक ऑन करेक्ट ऑप्शन एंड सबमिट द आंसर आपको फिर करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं और आंसर को सबमिट करना है कैंडिडेट आर एडवाइज टू लॉग इन बिफोर हाफ एन आवर ऑफ कमिसमेंट ऑफ द ऑनलाइन एम सी क्यू बेस्ड इंटरनल असमेंट इंक्लूडिंग टीनियस असमेंट टू अवॉइड एनी टेक्निकल गिल्स देखो भाई सोल की साइट में ना बहुत प्रॉब्लम होती है बहुत प्रॉब्लम होती है जब आ, सोल में बच्चों के असाइनमेंट हुए थे ना कोविड टाइम पर स्टूडेंट तो इतनी प्रॉब्लम हुई थी बच्चे असाइनमेंट टाइम पर अपलोड ही नहीं कर पाए थे और वो भी कंपलसरी थे ये भी कंपलसरी हैं तो आप लोग ये बोल रहे हैं ऑल ऑलरेडी इन्होंने आपको इंस्ट्रक्शन दे दी है कि हाफ एन आवर पहले अपनी साइट को अपलोड करके बैठ जाना बेहतर होगा किसी टेक्निकल गिल से बच जाओगे बाद में ये शिकायत मत करना कि मैं नहीं दे पाया पेपर या नहीं दे पाई ये हुआ वो हुआ क्योंकि आपकी डेट शीट में ये कंपलसरी लिखा हुआ है ठीक है ये ऐसा नहीं है कि ऐसे ही लिया जा रहा है ये कंपलसरी लिखा हुआ है उसके बाद टू अंडरस्टैंड वेरियस प्रोसेस ऑफ द ऑनलाइन एम सी क्यू बेस्ड आई ए सी ए प्लीज़ क्लिक दिस साइट फॉर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर अगर आपको ऑनलाइन एम सी क्यू बेस्ड आई ए सी ए के बारे में और कुछ चीज़ें जाननी है पूरा प्रोसेस जानना है तो ये वाली जो वेबसाइट दे रखी है स्टेप बाई स्टेप प्रोसीजर दे रखा है यहाँ से जाके आप देख लो ये वाली साइट भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देती हूँ बिफोर स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एम सी क्यू बेस्ड आई ए सी ए कैंडिडेट आर एडवाइज टू चेक दियर डिटेल्स एंड सब्जेक्ट को डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन ठीक है पेपर स्टार्ट होने से पहले एक बार चेक कर लेना कि बीस को जिस पेपर को डेट शीट में दे रखा है वही पेपर है ना या कभी आप इक्कीस को बैठो बीस समझ के और पेपर कोई और से दे दो और आंसर कोई और से लगा दो है ना वो वाली चीज़ तो अपनी डेट शीट को सब चीज़ को जो डिस्प्ले पर शो हो रहा है सब चीज़ों को अच्छे से चेक करके बैठना उसके बाद फॉर एनी टेक्निकल असिस्टेंट रिगार्डिंग ऑनलाइन एम सी क्यू बेस्ड आई ए सी ए प्लीज़ कॉल दिस 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 एंड दिस ठीक है ये नंबर्स आपको दिए गए हैं अब वहाँ वाली जो हमारा सेकंड वाला था ना कि मैम बार कोड शो नहीं हो रहा तो बेटा इन नंबर्स पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं इनसे बोलें कि हमारा बार कोड शो नहीं हो रहा है पेपर में हमें बहुत प्रॉब्लम होगी तो मेहरबानी करके हमारा बार कोड हमें दे दीजिए ठीक है आज अट्ठारह हो गई है तो बेटर है कि आप बीस का पहला पेपर है आपका तो बीस से पहले ही आप इस चीज़ को कर लो ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए बाकी अब हम बात करते हैं कि इन नंबर्स पर आपको क्या क्या बात करनी है सिर्फ बार के रिगार्डिंग ही बात करना कुछ और बात मत करना कि एग्ज़ाम कैसे होंगे क्या होंगे वगैरह कैसे होंगे क्या होंगे किस में होंगे वो सब कुछ ऑलरेडी आपको चैनल पर अपडेट दे दी गई है इनसे सिर्फ मेन बात करना कोई और बात मत करना कि सर या मैम जो भी कॉल पिक करें जो भी हो कि मेरा बार कोड इतने से इतने टाइम हो गया है शो नहीं हो रहा है तो मैं अब क्लास जो मेरा पेपर होगा एग्ज़ाम ऑनलाइन एम सी बेस्ड का तो मैं उसको अटेंड कैसे करूँगा या करूँगी ठीक है ये नंबर्स दे रखे हैं इन नंबर्स को भी मैं कोशिश करती हूँ कि डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँ वहाँ से जाके आप डायरेक्ट कॉपी करके कॉल कर लेना जो भी है ठीक है बाकी देखो पेपर की बात ये रही आपका जो कोर्स है जो भी कोर्स है जिस भी सब्जेक्ट का पेपर हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको एम सी बेस क्वेश्चन दिए जाएंगे ठीक है जस्ट लाइक एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी अगर मैं आपको बताऊं कि सब्जेक्ट चैनल पर अपडेट है इसकी क्लासेस भी हैं ठीक है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ बहुत जल्द प्रोवाइड कर दी जाएगी परेशान मत हो तो क्या है बात यह वाली बात है कि आपको उसी के रिगार्डिंग कि भाई लिबरलिज्म किसने लिखा है नीचे लिख दिया जाएगा लिबरलिज़्म किसने थ्योरी लिखी है लिबरल वालों ने मार्क्सिस्ट ने इन्होंने उन्होंने तो वैसे तो चलो समझ आ रहा है कि उदारवाद थ्योरी उदारवादियों ने ही लिखी है ठीक है तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे इतने भी आसान नहीं आएंगे लेकिन हाँ आप लोगों ने पढ़ रखा है बहुत अच्छे से तो घबराने वाली कोई बात नहीं है ठीक है स्टूडेंट बिल्कुल मत घबराओ बहुत इजी पेपर होगा बहुत अच्छा पेपर होगा बहुत इंटरेस्टिंग भी होगा ऐसा पहले कभी सोल में हुआ नहीं एम सी क्यू बेस पर कुछ तो हमेशा असाइनमेंट लिखवाए गए हैं लंबे लंबे सब कुछ तो आप इसको बहुत इंटरेस्ट से कर सकते हो बहुत ही अच्छा नॉलेजेबल चीज़ है जिससे आपके मार्क्स भी गेन होंगे और आपको नॉलेज भी मिलेगी ठीक है स्टूडेंट इसके रिगार्डिंग आप लोगों को कोई डाउट है ना कि भाई मुझे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स में कोई डाउट आ रही है या अगेन आप मुझे अगर बोलते हो कि मैम मेरा बारकोड नहीं आया तो प्लीज़ मेहरबानी करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लिया करो ठीक है वो बहुत ज़रूरी होता है उसके अंदर ही सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाती हैं एक एक को मैसेज करना कमेंट का कर रिप्लाई देना तो जल्द से जल्द पॉसिबल नहीं होता ना तो इस वजह से बेटा आप लोग ने डिस्क्रिप्शन चेक कर लिया करो वहाँ पर आपके डाउट्स सारे मिल जाएंगे आपके क्लियर हुए हुए बेफिक्र होगे So, अपना पेपर बेफिक्र होकर देना बिल्कुल घबराने की बात नहीं है बहुत अच्छा पेपर जाएगा आप लोगों का ठीक है स्टूडेंट दिमाग लगा कर देना क्योंकि उसके कुछ टाइम बाद आपके पेपर शुरू हैं सत्ताईस से तो ऑलरेडी पेपर शुरू ही हैं बी कॉम के ठीक है तो अपने पेपर के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर रहो बिल्कुल घबराओ मत सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल